हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिल्वर बेल स्कूल जगाना ब्रांच, जगाना सीबीएसई ब्रांच वार्मली वेलकम्स टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11। सो वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड द लिविंग वर्ल्ड, द चैप्टर नंबर 1। इन दैट दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ अवर चैप्टर नंबर 1, दैट इज 1.4। हियर वी अंडरस्टैंड अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स। What is a taxonomical aids? The taxonomical aids is nothing but for the identification, for collection the sapling, for understand the plant and animals and all, we require certain places from where we can do the taxonomical studies. तो taxonomical studies करने के लिए हमको place चाहिए, अलग अलग जगहें चाहिए, वहाँ पर हमको क्या मिल सकता है, हमको जो चाहिए फॉर अंडरस्टैंड आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स चाहिए, और हम प्लांट और एनिमल्स को अच्छे से स्टडी कर पाए, वो सारी चीज़ों को हम किस में ऐड करते हैं, दैट इज एडिंग इनटू द टैक्सोनॉमिकल एड्स। सो कहाँ ऐसे कौन से प्लेसेस हैं, सो वी हैव टू मेड द इनडोर स्टडीज ऑल्सो एंड आउटडोर स्टडीज ऑल्सो। हमको कोई भी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करने के लिए इनडोर भी जाना पड़ सकता है, आउटडोर भी जाना पड़ सकता है। वी हैव टू कलेक्ट द स्पेसिमेन, ऐसा जरूर नहीं कि वहाँ पर जाके पढ़े, तो वाई फोटोग्राफ भी लेके आना पड़ सकता है, या तो सैम्पलिंग कलेक्शन करके भी लाना पड़ सकता है। सो दिस इज ऑल इन टूगेदर वी प्लेस इन टैक्सोनॉमिकल एड्स, जो हमारी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज को हमको क्या करते हैं, वेरी इजियर करते हैं। सो वी चार दे, तो नंबर 1 हर्बेरियम एंड नंबर 2 इज बॉटनिकल गार्डन। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ से हम प्लांट स्पेसिमेन को ज़्यादातर अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक्चुअल प्लेस पे जाने की भी उसको ज़रूरत रहती नहीं है। तो हर्बेरियम इज़ नथिंग बट इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस। तो हर्बेरियम और कुछ नहीं है, प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए क्या है, प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किए होते हैं, हर्बेरियम सीट पे रखे होते हैं, और ऑल द बॉटनिकल इन्फॉर्मेशन टू बी रिटर्न ओवर देयर। तो ऐसी प्रोवाइड चीज आपको मिलती है, एंड दैट क्लासीफाई बेस्ड ऑन द टैक्सोनॉमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो क्या किया जाता है, पहले तो स्पेसिमेन लाया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, ब्लॉट जो पेपर होते हैं उसमें उसको ड्राई किया जाता है, वाटर कंटेन अलग, फिर उसको प्रेस किया जाता है वजन से तो वो दब जाए, प्रेसिंग के बाद उसको पॉइजनिंग करते हैं, 1% HgCl2 सॉल्यूशन यूज करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड इज यूज्ड। वो मर्क्यूरी क्लोराइड यूज होने के कारण उस पर कोई कीड़े वीड़े नहीं लगेंगे, बहुत लॉन्ग टाइम वो क्या होगा, प्रिजर्व रहेगा। फिर उसको हर्बेरियम सीट पे, द हर्बेरियम सीट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल मेजरमेंट सीट आती है, उसके ऊपर उसको स्टिच किया जाता है, वेयर इन अ हम ऐसे कहें तो जो उसकी साइड होती है उस पर लेबलिंग होती है, लेबलिंग में क्या लिखा जाता है, कलेक्शन डेट, प्लांट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में पहले क्या होता है, बॉटनिकल नेम और साइंटिफिक नेम, उसके बाद उसका क्या लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन, हैबिटेट एंड ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू प्लांट टू बी मैंशन देयर, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी होती है। तो कोई भी जो स्टडी करने वाला है वो वहाँ से स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकता है, लिख सकता है, उसके बारे में स्टडी कर सकता है। ओके, तो जनरली कौन से जो मेथड है यूज होती है जनरली सारे हर्बेरियम में, जो प्लांट अरेंजमेंट करने के लिए क्लासिफिकेशन, दैट गिवन बाय द बेंथम एंड हुकर। किसने वो क्लासिफिकेशन मेथड दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। तो ऐसे स्टोर हाउस का आपके बुक में डायग्राम है, वो देख लीजिएगा। सेकंड है बॉटनिकल गार्डन्स। तो जो भी बॉटनिकल इंस्टीट्यूट है उसके साथ दो चीज़ें होती है, एक हर्बेरियम होता है उसके लिए बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में रूम्स अलॉट होते हैं, और एक बॉटनिकल गार्डन होता है। बॉटनिकल गार्डन इज ऑल्सो अलाउड एट सेपरेटेड एरिया वेयर द प्लांट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट ग्लोब कैन बी ग्रो। वहाँ पे लिविंग मटेरियल आपको मिलता है, मतलब वहाँ पे प्लांट को ग्रो किया जाता है अलग अलग सिस्टम करके। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस है तो कैक्टस हाउस बनाए जाते हैं, जो कांटे वाले जेरोफाइटिक प्लांट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नरीज है, जो फर्न्स है उसके लिए फर्नरीज बनाई जाती है, जो पानी में रहने वाले प्लांट है उसके लिए एक्वेटिक हाइड्रोफाइटिक प्लांट के लिए अलग व्यवस्थाएं की जाती है, ब्रायोफाइट प्लांट के लिए अलग व्यवस्थाएं की जाती है। ऐसी व्यवस्थाएं के साथ
अलग अलग तरह के प्लांट जो इम्पोर्टेंट प्लांट है वो इकोनॉमिकल एंड टैक्सोनॉमिकल स्टडी, उसको कलेक्ट किया जाता है और वहाँ पर ग्रो किया जाता है। ये कॉमन गार्डन जैसा नहीं है। कॉमन गार्डन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल लॉन हो गया, कुछ तरह के ही प्लांट होते हैं, लेकिन यहाँ पर वैरायटी ऑफ प्लांट टू बी ग्रोस। और ये जनरली बॉटनिकल इंस्टीट्यूट के साथ में होता है, जहाँ पर प्लांट टू बी लेबल बाय देयर बॉटनिकल एंड साइंटिफिक नेम एंड मेन बाय लोकेलिटी ऑल्सो, उसका भी रिकॉर्ड होता है, मैनुअल्स भी वहाँ पे होते हैं इन बोथ सेक्शन। यहाँ पे भी आगे की में दिया हुआ है, लेकिन मैं अभी तक बता देता हूँ कि फ्लोरा भी रखा गया होता है बॉटनिकल गार्डन के साथ भी, एक हर्बेरियम होता है तो फ्लोरा भी वहाँ पे रखा हुआ। फ्लोरा और कुछ नहीं है, वो ऐसी क्लासिफिकेशन की हुई बुक्स हैं, चार्ट्स भी होते हैं, उसके अलावा होता है नथिंग बट वॉट चार्ट्स बुक्स। और उसके अलावा आपको क्या वहाँ पर होते हैं मैनुअल्स, जो मैनुअल से हमें पता चलता है हाउ डज वी कैन बी प्लेस द प्लांट, वो की होता है, तो की के थ्रू कोई भी नया प्लांट लेके आते हो, तो दिस प्लांट कुड बी अरेंज बाय दैट वे। वो जो की होती है उसके हिसाब से उसको कौन सी स्पीसीज नेम दिया जाएगा, कौन सी जीनेस में डाला जाएगा, कौन से आगे जाके प्लांट तो किंगडम तो आ गया, लेकिन कौन से ऑर्डर में डाला जाएगा, कौन से फैमिली में डाला जाएगा, ये की डिसाइड करती है जो मैनुअल में होती है और फ्लोरा हमको प्रोवाइड करते हैं। तो ये फ्लोरा और ऐसी बुक्स है जो ऑलरेडी साइंटिस्टों ने स्टडी करके क्लासिफिकेशन करके की बनाई हुई है, तो ये उसके साथ होती है, दैट यू कीप इन योर माइंड। तो बॉटनिकल गार्डन में मेजर बॉटनिकल गार्डन सबसे बड़ा वर्ल्ड का है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इन लंडन वहाँ पे है, इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कलकत्ता, वो भी बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज सिचुएटेड इन लखनऊ, दैट इज ऑल्सो बिगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ओवर देयर फॉर बॉटनिकल साइंस। इसके अलावा म्यूजियम्स, नाउ थर्ड जहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल को, म्यूजियम। म्यूजियम जनरली एनिमल के लिए ज़्यादा होते हैं रादर देन प्लांट। प्लांट इतने बड़े स्पेसिमेन नहीं रख सकते, बट इट इज़ अ बायोलॉजिकल सेटअप दैट कुड बी फाइंड बाय द कॉलेज और जो स्कूल्स होते हैं उसमें होते हैं। तो वो छोटे म्यूजियम्स होते हैं, बड़े म्यूजियम्स भी होते हैं, यू नो दैट द म्यूजियम ऑफ बड़ौदा, देन अदर म्यूजियम्स ऑफ इंडिया, रानी जीजा माता जो म्यूजियम है महाराष्ट्र में है। तो ये बड़े बड़े जो म्यूजियम है उसमें गैलरीज, बहुत बड़ी बड़ी गैलरीज होती है, स्केलेटन गैलरीज होती है, इंसेक्ट गैलरीज होती है, ओके, देर आर द मैमल गैलरीज होती है, रेप्टाइल गैलरीज होती है, रेप्टाइल में सारे स्नेक्स, स्नेक गैलरी भी होती है, सारे स्नेक्स प्रिजर्व किए होते हैं, ओके। इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, इसमें भी कोई लिविंग नहीं होता है, इसमें सारे क्या होते हैं स्पेसीमैन होते हैं। तो इंसेक्ट प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स, एक लकड़ी का इंसेक्ट बॉक्स आता है जिसमें उसको किलिंग किया जाता है, फिर उसको पिन, जो पिन होती है उसमें जैसे हमारे बोर्ड होते हैं ना वैसे बोर्ड होते हैं, उसमें पिन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बोर्ड होता है जो वैसे ही वहाँ पर सॉफ्ट कपड़ा होता है, तो उसके ऊपर इंसेक्ट रखे जाते हैं और उसके नाम लिखा होता है। उसके अलावा दूसरी गैलरी स्केलेटल गैलरीज होती है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के स्केलेटन रखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यू गो टू द बड़ौदा, यू फाइंड देर आर द बिग वेल, एक वेल का स्केलेटन है वहाँ पे बहुत बड़ा। देन लार्जर एनिमल्स, आपने कभी हमारे लैब में भी आओ तो आप देखते हैं कि जो डव्स होते हैं मतलब बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स को क्या किया जाता है, स्टफिंग। तो स्टफिंग इज़ अ मेथड, इन दैट स्टफिंग में क्या किया जाएगा, स्टफिंग में ये करते हैं कि भाई स्टफिंग में सारा जो अंदर का जो जो बॉडी का जो पार्ट है, अंदर जो बॉडी कॉस्ट में सारे जो ऑर्गेनल्स वगैरह निकाल दिए जाते हैं, दैट स्टफ बाय द इंसेक्टिसाइड पाउडर, जनरली DDT यूज होता है, उसको स्टफ करके रुई भर के उसको सील दिया जाता है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड स्टफिंग। सो दिस इज यूज फॉर, ये एंशियंट मेथड से वो ममीज बनाए जाते थे, वही मेथड है जो थोड़ा मॉडिफाई करके क्या यूज किया जाता है, टू प्रिजर्व द लार्जर एनिमल्स इन नथिंग बट इन अ म्यूजियम। नाउ द लास्ट वन इज अ जूलॉजिकल पार्क्स। सो इन जूलॉजिकल पार्क्स यू ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट, आप जाते हो कि भाई सासन गिर है या तो कांकरिया है, दीज आर द नथिंग बट दैट जूलॉजिकल पार्क्स, छोटे या बड़े होते हैं, पीपल आर विजिटिंग देयर, ओके। जिंक कॉर्बेट पार्क है, तो दीज आर द जूलॉजिकल पार्क्स वेयर द एनिमल्स टू बी, वहाँ पर ब्रीडिंग सेशंस लिए जाते हैं, उनको रिप्रोड्यूस किया जाता है, उनके ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाता है, और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को वहाँ पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। बट इन देयर
चेंज बेव देर नेचुरल हैबिटाट, नेचुरल हैबिटाट से उठा के वहाँ लाया जाता है, या तो कुछ वहाँ पे नेचुरल हैबिटाट में ही जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, एंड जूलॉजिकल पार्क स्पेशली मेंट फॉर एनिमल्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड नाउ की मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है इसके साथ, तो आज बहुत छोटा सा वीडियो है हमारा, क्योंकि लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स ही रह गया था। सो वी आर कंप्लीटेड एंड कंक्लूडेड दिस चैप्टर। एनी काइंड ऑफ यू हैविंग द डाउट यू कैन सॉल्व, कोई भी डाउट आपको है तो आप डाउट मुझे कॉल करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं दिस चैप्टर रिगार्डिंग। वी नेक्स्ट वी विल बी स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और जब भी आप इसका स्नैप लो तो अच्छे से लेना, तो मैं ऐसे साइड पे रह जाऊँ तो स्नैप ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर ऑल टुडे, थैंक यू वेरी मच, एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 2। ओके, थैंक यू।